HR न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। HR न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मोहनलाल। लोकतंत्र का पर्व विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। तमाम जो प्रत्याशी लड़ रहे थे चुनाव, उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है और HR न्यूज चुनाव की घोषणा होने से पूर्व और अब चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार जो विश्लेषण दिखा रहा है। चौहान साहब हमारे साथ हैं, आज चुनाव संपन्न हो गया, किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। चौहान साहब से अब जानेंगे क्या मत प्रतिशत रहा, क्या रुझान है, किस रूम में वो देखते हैं। चौहान साहब, पहला सवाल आपसे, ईवीएम में किस्मत बंद हो गई है, प्रत्याशी जीत के दावे कर रहे हैं अपने अपने, किस रूम में देखते हैं? देखो, बड़ी खुशी की बात है मोहनलाल जी, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ तो ये एक सुखद बात है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मत प्रतिशत, बावजूद चुनाव आयोग के, सरकार के, प्रशासन के प्रयासों से, दावों से बहुत कम रहा। तो ये दोनों चीजें हम आज के विश्लेषण में देखते हैं कि मतदान शांतिपूर्ण रहा, बड़ी सुखद बात है, मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा 2014 और उन चुनावों के मुकाबले, और विशेषकर 3-4 महीने पहले, मतलब जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, और उसमें जो मत प्रतिशत रहा था और जो रिजल्ट रहा था, मतलब 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस के लिए प्रश्न चिन्ह लगा गया। ये तो हम हर आदमी दावा कर रहा था, उसको पता था कि सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन इनके जो जुमले वाले दावे थे कि 75 पार अब की बार, वो कहीं ना कहीं अब गलत साबित होते नजर आ रहे हैं, जो पोलिंग परसेंटेज निकल कर सामने। नहीं, इसमें एक और चीज निकल के आती है, लोकसभा चुनाव में जो बहुमत आया, मोदी का जो ओरा था, पहली अग्नि परीक्षा थी लोकसभा चुनाव में बनने के बाद, इनकी 2014 से भी ज्यादा बहुमत से दोबारा 19 में जो लोकसभा में इनको मिला, उसका पहली अग्नि परीक्षा थी। दो स्टेट में चुनाव थे, महाराष्ट्र में, हरियाणा में। क्या लगता है जो मत प्रतिशत गिरा है, रीजन क्या इसका मानते हैं? क्या लोगों का रुझान कम, इसमें मुद्दे क्या नजर आते हैं, क्या बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था? मोहनलाल जी, इसमें 2-3 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस। इन्होंने ये समझा कि हम जिसके गले में पट्टा डाल देंगे अब तो हमारी बहुत बल्ले बल्ले है। तो सबसे बड़ा कारण इनका, जो एक दर्जन अपने सिटिंग विधायकों का इन्होंने टिकट काटा और एक दर्जन या उससे भी अधिक दूसरी पार्टी के दल बदलुओं को पार्टी में शामिल किया और उनको टिकटें दी। इसके अलावा 3-4 सेलिब्रिटीज को, कोई खिलाड़ी है, कोई कलाकार है, मतलब उनको अपने जो सशक्त उम्मीदवार थे उनको काट कर इन्होंने जो टिकट दी। तो भारतीय जनता पार्टी का ये 2-3 बड़े कारण हैं जो चुनाव परिणाम आने के बाद इन्हें आत्मचिंतन और मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर का मनोबल टूट गया। जिन विधायकों की टिकट काटी और ऐसे विधायकों को टिकट दे दी जिनकी परफॉर्मेंस पुअर थी, जिनको मंत्रिमंडल से इस वजह से हटाया गया कि उनके ऊपर या तो कोई भ्रष्टाचार के आरोप थे
या उनकी कार्यशैली परफॉर्मेंस कम थी, ऐसों को तो टिकट दे दी, और जिनके पास कुछ खोने के लिए नहीं था, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कुछ नहीं था, उनकी टिकटें इन्होंने काट दी। तो वर्कर को एक गलत मैसेज गया कि बीजेपी और कांग्रेस में भी टिकटों में खरीद फरोख्त होती है, टिकटें मुंह देख के माथा देख के टीका लगाया जाता है, और इसमें भी सिफारिश और वो चलती है, भाई भतीजावाद भी चलता है, वंशवाद भी चलता है, और वो चला। तो ये दो तीन कारण नजर आए, मतलब भाई और भाजपा दो मुंह यानी कि नजर आए, भाजपा के ये दो तीन कारण थे, और आम जनता का रुझान क्यों नहीं मतदान पे रहा? जब 370 35 ए बालाकोट स्ट्राइक, और कल ही तो पीओके में बम्बारमेंट हुई है, मतलब, और खूब मीडिया ने उन चीजों को हाईलाइट भी किया, तो आम मतदाता को पिछले 5 साल में हरियाणा सरकार की जो परफॉर्मेंस थी, जो डिलीवरी परफॉर्मेंस थी, उससे आम मतदाता संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो वोट डालने नहीं आया। नहीं आया, लेकिन एक और चीज देखिए, अगर हम अहिरवाल की 11 सीटों पर देखे दक्षिण हरियाणा की खासकर बात, और जिस तरीके से टिकट वितरण के बाद जो विवाद हुआ, लगता है कार्यकर्ताओं के साथ साथ या आम वोटर के साथ साथ जो भाजपा के जो पन्ना प्रमुख और जो दावे किए जाते थे, हमारे कार्यकर्ता जो संख्या बढ़ाई गई, आपको देखा होगा लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए अभियान चला, मिस कॉल वगैरह, उनका भी कहने का मनोबल टूटा, उन्होंने रुचि नहीं दिखाई पूरे चुनाव में। अगर देखो तो बता चुके इनका जो अति विश्वास था, और इन्होंने जो दूसरे दलों से मतलब लोग लिए, और अपने कार्यकर्ताओं को पूरे 5 साल में, हम अपने पिछले विश्लेषण, जन आशीर्वाद यात्रा तो सब कुछ ठीक था, हम नहीं था, नहीं था, हमने कहा ये सब भगदड़ मचेगी, हमने ठीक नहीं कहा, हमने कम कहा ठीक नहीं, ये कह रहे थे ना, ये कुछ भी कहे जाओ, अब यही अपने आप गलत कहेंगे, और यही अपने आप घर बैठे, वरना जो कैडर का आदमी है, आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का वर्कर है, वो चेक पद्धी पे बैठा के वोटर को लाता था, चाहे रिक्शा में बैठा के वोटर को लाता था, जब टेम्पू में बैठा के, वो ही नहीं लाए वोट डालने, वही दाएं बाएं हो गए, तो इसलिए कह रहे हैं। इसका फायदा किसको, सीधा इसका फायदा भी हम बता चुके थे कि भाई हर सीट पर अलग अलग, कि भाई जो मशक्कत करेगा, मतलब अब कहीं निर्दलीय ने मशक्कत ज्यादा करी तो निर्दलीय को फायदा है, पार्टी के नाते हमारी इस अहिरवाल बेल्ट में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को ज्यादा हुआ है, वो परिणाम बताएगा कि कितना हुआ। नहीं, इनका किसके सीट पे फायदा देख रहे हैं, हर सीधे बावल में हम देखिए, बावल में जिस तरीके से और उभर करके जो कांग्रेस आई, इनका लाल जी हर सीट पर, क्योंकि यहां जेजेपी का और इनेलो का, मतलब जो हम अपने विश्लेषण में बार बार हमने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी 17 मौजूदा सीटों को नई पुरानी मिला के रिटेन कर ले है, तो कांग्रेस ये समझो सरकार बना रही है, लेकिन अगर इनेलो, दोनों इनेलो और जेजेपी अपनी 20-22 सीटें कुल मिला के ले ले, तो ये समझो कि इनेलो और जेजेपी सरकार बना रही है, लेकिन ना तो कांग्रेस 17 का आंकड़ा छूती नजर आ रही है एग्जिट पोल में भी, और अब जो दिखाई दे रहा है ना जेजेपी और इनेलो 20-22 सीटों का आंकड़ा एग्जिट पोल में कोई लोचा नजर आता है आपको, जो दिखा रहा है तमाम मीडिया, जो जिस तरीके का कितना डिफरेंस मानते हैं हकीकत में और वैसे में? देखो हम तो लाल जी अपने विश्लेषण की बात कर रहे हैं, पहले दिन से हमने कहा है 75 बार बहुत दूर की कौड़ी है,
और हम मान के चल रहे थे शुरू के विश्लेषण में कि हाँ 55 सीटों का इनका आंकड़ा बढ़ता है, लेकिन क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ था तो अब 55 से इनकी 60 सीटें हो सकती हैं, लेकिन 47 से 70 72 77 75 को ही दिखा रहा है। लेकिन मैं वो हवा हवाई है या उनके अपने समीकरण है? मैं आपको और बताऊं, अभी जिस तरीके से आपने एक रेवाड़ी सीट का हंगामा देखा होगा टिकट वितरण के बाद उपाध्यक्ष के कार्यालय में किस तरीके का, और उसके बाद जो नाराजगी कहीं ना कहीं भाजपाइयों में पनपी, सीधा सीधा उनसे भी जब बात करी तो वो भी इस बात को मानने लगे कि हम शायद 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, क्योंकि जिस तरीके का पूरा प्रदेश भर में टिकट वितरण को लेकर हुआ है एक भारी, ये कम वोटिंग भी आप बता रहे उसी का नतीजा है। बता दिया ना हमने मोहनलाल जी, उनके कहने ना कहने का अब कोई बेमानी है, वो क्या कहते हैं बीजेपी वाले या वो, अब मतदाता की बारी थी, पार्टी वर्कर टिकट विकट सब धरी रहे, भाजपा का कोई शोर शराबा नजर नहीं आया, सब लग गए जो पुराने कार्यकर्ता थे वो कहीं अलग अलग ड्यूटियों में लगे हुए थे, और अब जो आज वोटिंग के आंसू है उनका चेहरा दिखाया रेवाड़ी में। क्यों क्यों लगेंगे ये बताओ ना, जब कार्यकर्ता की आप कहीं कोई पूछ ही नहीं, कोई कदर ही नहीं है, तो इसे, इसे ग्राफ ग्राफ कितना गिरेगा, क्या विश्वसनीयता पार्टी की खत्म हो जाएगी? भाई कार्यकर्ता जो सींचता है, जो गली गली 5 साल तक लगाता है, मैंने कल भी आपसे सवाल किया था कि बहुत सारे जो टिकट के दावेदार थे उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च कर दिए अपने प्रचार पे, और आज वो खून का आंसू रो रहे, बोल नहीं पा रहे, घुट रहा है कार्यकर्ता। तो कितना कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, तो तीसरा विकल्प भी तो नहीं है कोई, इसीलिए कह रहे उसका ये फायदा उठा रहे हैं। जो पोलिंग परसेंटेज कम होती है, कांग्रेस ने भी इतने साल राज किया तो पोलिंग परसेंटेज जब कम होती है तो इसका एक तो सीधा सा ये मतलब होता है कि जो सरकार है वो ही सरकार आएगी, क्योंकि या बदलाव नहीं। हाँ। जैसे ही पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है, 75 पार पोलिंग परसेंटेज जाएगा, 76-77 पोलिंग परसेंटेज जाएगा, मतलब समझो बदलाव की प्यार बह रही है, लोगों में आक्रोश बदलाव की तरफ था। तो एक ये भी कारण कि लोगों का मानस, कांग्रेस ने भी अपना नेतृत्व बदलने में, नेतृत्व खड़ा करने में कितनी हील हुज्जत हुई। आप बीजेपी की बात कर रहे हो, कांग्रेस की जूरियों में दाल बटी, तवर देखो ना किस तरीके से, इससे बुरा और क्या होगा। तो फिर कांग्रेस कहां बांट देख रही है, मतलब वोटर का विश्वास नहीं रहा, कहां बांट देख रही है कि भाई किसके लिए क्यों मरे खपे। हाँ, वो हमने कहा था कि जो आपकी पहुंच में हो, जो आपके सुख दुख में हो, आप विधायक का चुनाव कर रहे हो, आप डायरेक्ट सरकार नहीं बना रहे, ये कोई डायरेक्ट रेफरेंडम वाली नहीं है। तो इसलिए जहां जिसको लगा कि हां ये हमारा नजदीकी है, तो वहां उन्होंने उस आदमी को। चलो अब हम रेवाड़ी की सीट पे आ जाते हैं, बड़ी घोर सीट आज हरियाणा की नहीं पूरे देश की निगाह कहीं ना कहीं टिक गई थी, स्वयं मोदी जी को यहां आना पड़ा, भाजपा से जो टिकट कटा रणधीर सिंह का अपने पास बागी हुए, अब मतदान भी हो चुका है, ईवीएम में बंद हो गई किस्मत, रेवाड़ी को किस तरीके से देखते हैं, निगाह जो लगी हुई है, क्यों एचआर न्यूज पे सबकी निगाह लगी हुई है, और एचआर न्यूज लगातार इस चीज को दिखा रहा था। हम बाजार में जब निकलते हैं लोग हमसे पूछते हैं, और अभी देखा हुआ आपके सामने एचआर न्यूज पे फोन आया, मोहनलाल जी आपके आपका दिखाओ क्या है रेवाड़ी की, हम और सीट पे निगाह टिकी हुई है, यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का यहां आना रेवाड़ी के लिए कतई नहीं था। अमित शाह जो चाणक्य है भारतीय जनता पार्टी के, वो होम मिनिस्टर भी हैं, उनके पास हरियाणा की फीडबैक नेगेटिव जा रही थी, निरंतर जा रही थी। तो पहले लौट में सिर्फ मोदी जी का एक दिन का प्रोग्राम था कि बाकी तो मनोहर लाल जी और राजनाथ जी और तोमर साहब और
सब लोग संभाल लेंगे, सक्षम है, मजबूत टीम है। लेकिन जब रिपोर्ट गई कि बीजेपी डाउन जा रही है, बीजेपी के मंत्री खतरे में है, उनकी सीटें खतरे में हैं, तब मोदी जी को हरियाणा के चारों कोणों में आना पड़ा और अपनी रैलियां करनी, और अपनी रैलियां उन्हें यहां करनी पड़ी। जहां तक रेवाड़ी की सीट का बात है, मोदी जी ने स्पष्ट रूप से अपने भाषण में कहा कि विधायक कोई भी बन जाओ, मैं वोट मांगने नहीं आया, मैं आशीर्वाद लेने आया हूं। महसूस कर चुके थे वो भी, पता था उन्हें, महसूस नहीं, उन्हें उनके पास वो देश को चला रहे हैं। और फिर होम मिनिस्ट्री जब अमित शाह जैसे चाणक्य के पास हो तो उन्हें हर चीज का पता है। तो मोदी जी ने रेवाड़ी में, रेवाड़ी ही नहीं, अहिरवाल के एक किसी भी कैंडिडेट का नाम ना लेके यहां की सीटों को अपनी प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ा। वो साफ कर गए थे कि मैं प्रधानमंत्री के नाते, और मेरा क्योंकि 2013 में वो 15 सितंबर को आए थे, अपना लगाव रेवाड़ी से, एक अपना प्रेम रेवाड़ी से दर्शाने, एक आत्मीयता दिखाने के बहाने वो अपना उल्हाना भी रेवाड़ी ही आकर उतार गए। और वो भी आपने जिक्र किया था, और के भूल को करेंगे कबूल, कबूल। और आपने ये भी कहा था कि 6 साल हो गया, आना चाहिए, आना चाहिए। सैनिकों की कोई बात नहीं की, और आपसे सबसे पहले उन्होंने उसी चीज को, रिजानला को, पूर्व सैनिकों को, शहीदों को, उन बातों को दोहराया। तो उन्होंने एक किस्म से अपनी वो ड्यूटी निभाई है। और आज तो आपने भी सर्वे किया होगा, हमने भी सर्वे किया है, और मोदी जी की रैली का भी, उससे पहले का भी हमने बताया था कि मतदाता ने मानस बढ़ा लिया है मोदी जी के आने से भी, जो उसके मानस पर, मतदाता के मानस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा रेवाड़ी का मुकाबला जो था वो एज इट इज, निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला फंसा हुआ है। और मैं तो ये कहूंगा कि रेवाड़ी जिले की जनता, बाकी तो हम कल के विश्लेषण में जिक्र करेंगे, जो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, रेवाड़ी जिले की जनता ने कर दिया सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास किया है। जो जितना मांगने गया उतना ही उसको आशीर्वाद दिया गया है, और अब किसी ने मांगने में ही कसर छोड़ दी तो रेवाड़ी के मतदाता का उसमें कहीं कोई कसूर नहीं है। नहीं, दर्शकों को ये भी समझा दो, कहां का किस किस को कितना कितना भी है बता रहे, क्योंकि नरेश चांद पे निगाह टिकी हुई है अभी, क्योंकि आंकड़े सारे आने, अभी तो पोलिंग पार्टीज ने अपनी वो ईवीएम जमा नहीं करवाई है, वो बेचारे लाइन में लगे हुए हैं। तो इसलिए हम कोई भी बात कहेंगे तो एग्जैक्ट कहेंगे, नजदीक कहेंगे। अभी मैं एक दो चैनलों पे देख रहा था तो हमारी बात को कमोबेश मतलब 57 से 61 के बीच में बीजेपी की सीट दिखा रहे हैं। लेकिन एक और चीज दिखल गया है जो मैं महसूस कर रहा हूं और जो लोगों के बीच में गया, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने सबसे ज्यादा कवरेज रेवाड़ी में किया है, लोगों के बीच में हम गए, तमाम कार्यालयों में हम गए, बाजार में भी हम गए। बाजार में गुस्सा कहीं ना कहीं है कि आम आदमी के मुद्दों को किसी नेता ने नहीं छुआ। बाजार की स्थिति, सफाई व्यवस्था, आवारा सांड, यानी कि गांव गांव में आप जाइए रात को, आप निकल नहीं सकते, हृदयंगाबाजी, और ये तमाम मुद्दे किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। मोहनलाल जी, हमने क्यों विश्लेषण में आपको ध्यान दिलाऊं मैं, मतलब मुझे तो लगता है, मुझे लगता है ये गुस्सा भी वोटिंग ना करने का कहीं ना कहीं है ना, ऐसा नहीं है। हमने कहा था कि अब बारी कैंडिडेट्स की है, इस दंगल में जो कैंडिडेट है, हमने कहा था निर्दलीय भी जीत सकता है, किसी छोटी पार्टी का आदमी भी जीत सकता है, जो इस गुस्से को पोलिंग बूथ तक ले जाएगा। ये कहीं ना कहीं
उस गुस्से को विपक्षी दल, क्योंकि बीजेपी सरकार जिसकी है उससे तो है कि वो अपनी दुकान पे, अपने मकान पर, अपने प्रतिष्ठान पर बैठा बैठा गुस्सा निकाल दे, बूथ पे ना जाए। लेकिन उसका तो काम हल हो गया। आज उस गुस्से को, उस आदमी को चैनलाइज करके माड़ा में पिरो के और मतदान केंद्र पर ले जाता तो रिजल्ट अपने आप ही 24 तारीख से पहले ही नगाड़े ढोल बज जाते। लेकिन आज का मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हम बूथों पे गए हमने देखा, और 2014 का भी आपने ध्यान दिया होगा, कैप्टन अजय सिंह यादव जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उन्होंने मतदान के अगले दिन ही कार्यकर्ता की मीटिंग बुलाई थी और एक सवाल खड़ा किया था कि बूथों पे हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। वो स्थिति इस विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिली, और इनके तमाम बूथों पे आपको बता दूं इस बार कार्यकर्ता डटे हुए मिले। आप मांडर टाउन की आपको स्थिति बता दूं, हिंदू हाई स्कूल के अंदर, यानी कि इनके 10-15-20 कार्यकर्ता डटे रहे, वोटरों को निकाल के भी लाएंगे। नई चीज, नई चीज, यानी कि इस बार हमारे विश्लेषण का असर था। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपने पहले जिक्र कर रहे हैं, जो सारे वोटरों को निकाल के लाएगा, बस वो निवाड़ी जिले के मतदाता ने जिसने जितना साथ मांगा उससे बढ़ के दिया। आप कप्तान साहब की बात कर रहे हो, रणधीर सिंह कापड़ीवास की बात कर रहे हो, सुनील मूसेपुर की बात कर रहे हो, मैं सन्नी की भी बात कर रहा हूँ, मैं सोमाणी की भी बात कर रहा हूँ, मैं मतलब की भी बात कर रहा हूँ, जांगड़ की, प्रीतम जांगड़ की, मतलब बूथ लगे हुए थे, बूथ सजे हुए थे। ये मंजू वाला की बात कर रहा हूं। हाँ। और वहां लोग कम हो ज्यादा हो वो एक अलग बात, अलग लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन लड़ाई जिस पैमाने पर, जिस उस आक्रोश को, उस गुस्से को, हम पहले ही कह चुके कि जो बीजेपी समर्थक है वो भी इसीलिए बूथ पर नहीं गया कि वो संतुष्ट नहीं है मनोहर लाल खट्टर की 5 साल की सरकार की परफॉर्मेंस से। आम आदमी संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसमें कोई उत्साह नहीं था मतदान के लिए। बीजेपी के कार्यकर्ता की दुर्गति हुई, अपमानित हुआ, इस वजह से वो ना वोटर को लेके गया और ना खुद अपने परिवार को, या खुद उसने कहीं कोई जोश दिखाई दिया। आप देखिए, कल एक दिन पहले आज वोटिंग होनी थी, कल वो ओबीसी का देखिए जिला महामंत्री छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहा है, ये स्थिति कहीं ना कहीं भाजपा में आई। क्यों नहीं, अब अगर उन्हें लगा और कार्यकर्ताओं से बात करी तो किस लिए गए, जब ऐसा होना है मेहनत हम करें, टिकट कोई और ले जाए, पार्टी किसी और को दे दे, अरविंद अपने कार्यालय में बैठे रहे। हमने मोहनलाल जी आप कल परसों में ही एक बात कही थी कि जितना 10-12 दिन में खर्चा होता है आखिरी 2 दिन में उतना ही खर्चा होता है और उससे ज्यादा होता लेकिन, है। लेकिन एक बात तो है, टिकट कट गया, सब कुछ हो गया, विधायक रणधीर सिंह का परिवार निर्दलीय के तौर पे जो चुनाव लड़ा दमदार लड़े, इसमें कोतोरा ने कार्यकर्ताओं ने दिखाया, कांग्रेस के जो प्रत्याशी उन्होंने भी लड़ा, और तो और कमला शर्मा जो इनेलो की सबसे कमजोर प्रत्याशी है, महिला है, एक ये भी मैसेज आपने दिया था कि वे महिलाओं को किसी ने सम्मान नहीं दिया, भाजपा में खासकर नहीं मिला, जितनी पिछली बार टिकट मिली थी उससे कम मिली, उसने भी अपना दमखम दिखाया, रिजल्ट कुछ भी हो। बिल्कुल, और हम यही कह रहे हैं कि जैसे अनुभव है, कैप्टन अजय सिंह का खुद 6 चुनाव वो जीते हैं, लड़े हैं, उन्हें चुनाव की बारीकियों का पता है, जो मैं 2 दिन के खर्चे की बात कर रहा हूं उन्हें पता है कि कैसे। अब कोई कह रहा था, हम खुद गए, मतलब 3 बार में मैं और वाइफ गए, पहली बार 9 बजे करीब, फिर एक लॉट में बच्चे गए, फिर तीसरे लॉट में बेटा और बहू गए, मतलब कहीं कोई भीड़ भड़क का नहीं, आराम से गए और वोट डाल दी। फिर किसी ने पूछ लिया राह चलते कि भाई तुम वोट डालने, बोला जी कौन वोट डालने जाए, 100 रुपए लगेंगे, कौन भाड़ा खर्च है। तो जो पहले रिक्शा में पद्दी पे बैठा के और वाहन उपलब्ध करवाते थे, तो जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं उन्होंने
ऐसे प्रबंध भी किए और वो बूथ तक अपने वोटर को लेकर भी। यही यही चीज हम कह रहे हैं, ये जो आज हमने जो देखा कि कार्यकर्ता डटा रहा, वोटरों को लेकर के आया, निकाला है, बकायदा साधन उनके लिए अवेलेबल, टेम्पू वगैरह, ई रिक्शा वगैरह, व्हील चेयर वगैरह सब चीज यानी कि अवेलेबल कराई। एक नया स्वरूप मुझे इस बार इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। अच्छी बात, क्योंकि उसकी उस कैंडिडेट की एक इच्छा है और उसको एक ललक है, एक जुनून है कि मैंने चुनाव जीतना है। लेकिन आज चुनाव में कहते हैं ना, जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, तो इसलिए ये जुनून जब तक कैंडिडेट में पार्टी में नहीं होगा, ये जुनून नारा तो बीजेपी ने दे दिया, लेकिन बीजेपी में हरियाणा में इस बार ये जुनून नहीं दिखाई दिया। हरियाणा के बीजेपी के धुरंधर अपनी ही सीटों पर उलझे रहे और मनोहर लाल जी हम बार बार कह रहे कि वो इतने बड़े नेता नहीं है, इतनी मास फॉलोइंग उनकी नहीं है, ना उन्होंने कभी ऐसी इच्छा रखी। सपोती के सारे है वहां तो इन्होंने साबित कर दिया, इनके पास एक अच्छा मौका था मोदी जी को एक बार बुला के दूसरी तीसरी चौथी बार ना बुलाते, फिर भी सरकार इन्हीं की बननी थी, लेकिन इन्होंने अपनी फजीयत खुद करवा ली और फिर मोदी जी ने नुकसान भी करवा लिया। मोदी जी ने बता दिया कि भाई ये तो मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है नहीं ये भी, लेकिन मैं मोदी जी, मोदी जी अब बीजेपी गवर्नमेंट या आपकी गवर्नमेंट नहीं कहते, उनमें भी एक अब अहंकार उभर गया है, नजर आने लग गया है, जैसे कभी किसी टाइम में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया होती है। आज देश में या विदेश में, हरियाणा में या दूसरे प्रदेश में, मोदी 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 मोदी, भाजपा भी मोदी, हिंदुस्तान भी मोदी मोदी, सब कुछ मोदी। वो चिड़ भी हो गई लोगों को शायद, मेरे को लगता है जिससे लोग चिड़ क्यों नहीं होती मोहनलाल जी, जब तक आप विकल्प नहीं दोगे, आप जब तक विकल्प नहीं खड़ा करोगे, तो वो जैसे कांग्रेस 30-35% वोटों से 70 साल तक राज कर गई, तो अब ये जो 50% 48% 44% वोट के सहारे राज करते हैं, फिर ये भी 30-35 में जो मोदी 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 गाते हैं उनके सहारे ही राज करते रहेंगे, आगे कोई विकल्प नहीं होगा, बिखराव होगा विपक्ष का, इनकी गाड़ी चलती रहेगी। विपक्ष को अपना मजबूत करना पड़ेगा, विपक्ष को अपनी रणनीति अपना निर्णय, लेकिन अपनी नीति चुनाव में मुझे एक नई चीज दिखी। कैप्टन ने जैसे अपने बेटे को लॉन्च किया युवराज के तौर पर, एक मैसेज दिया कि भाई मैं मेरी विरासत आगे ही संभालेगा, मैंने इसको लॉन्च किया। और आपने देखा पूरे चुनाव में कैप्टन अजय सिंह यादव दिन और रात, सुबह शाम रातों, डोर टू डोर, घरों में, बैठकों में, आप तक भी पहुंचे शायद, जैसे हमें जानकारी मिली, घर घर जाकर के जो कार्यकर्ता उठे हुए उनको मनाने का भी प्रयास किया। क्या लगता है कि जुनून कहने का दिखा किसी भी तरीके से बेटे को एस्टैब्लिश कर दे, क्योंकि राव इंद्रजीत के साथ उल्टी हुई टिकट नहीं मिली, वो भी अपनी बेटी को स्थापित करना चाहते हैं। जी यही हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि आज राजनीति बेटे बेटियों को माँ बाप लॉन्च करें उससे बढ़कर है। जब तक बेटे बेटियों में वो काबिलियत और वो जुनून नहीं होगा, वो लॉन्चिंग सफल नहीं हो सकती। शायद हमने अपने विश्लेषण में भी कहा था तो कि अगर अगर कप्तान खुद इलेक्शन लड़ता तो कोई नजारा ही दूसरा होता। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने बेटे के लिए बेटियों के लिए सब करेंगे। इंद्रजीत ने कितना किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी जाती है, नेगेटिव के बाद दिलवाई दूसरे को, नेगेटिव गई नहीं कप्तान गई, गली गली खुद भाजपा कप्तान के लिए भी कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें जाती है। मतदाता जो अब इंद्रजीत की बेटी को पार्टी ने कहा वंशवाद को नहीं फैलाएंगे और आपने अपने बेटे को लॉन्च किया, तो कहीं ना कहीं उसका बैक गियर नहीं लगता। लेकिन इंद्रजीत तो मंच पे संबोधित करते थे, बोला नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, बोला फिर। और मोदी जी कहते हैं वंशवाद से दूर रहो, तो
तो बड़ा बताओ ना, फिर बताओ, फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, फिर एक ही म्यान में दो तलवार कैसे चलेगी? तो एक नेता कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। अब भाषण सुनिए राजेंद्र जी के, तो किसकी चली? पार्टी की चली, पार्टी की चली, लेकिन नुकसान किसका हुआ? कार्यकर्ताओं का हुआ ना, पार्टी को सिंचा हुआ। तो हमने बताया कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं, सब कुछ भाड़े पर मिलता है, दरी बिछाने के लिए, सब कुछ दरी बिछाने के लिए भी भाड़े पे मिलता है आजकल सारा इंतजाम। दावा करते हम 40 साल से लग रहे, 30 साल से लग रहे, फिर दरी बिछाने के लिए सब वो भी ठेकेदार को दे दिया जाता है। या ये लगाए तो ठीक है, नहीं तो अब आप ही बता रहे हो कि कल वो बीजेपी का कोई छोड़ के दिन पहले चला गया, तो ये भाग जाएंगे भाई, उसको पहले एहसास हो गया, भाग जाएंगे। वो नहीं कहता बोला हम लग रहे हमारे साथ नहीं है, वो भाग जाएंगे। लेकिन एक मैसेज क्या जा रहा है, कार्यकर्ता क्यों जुड़ेगा? मैं सवाल ये कर रहा हूँ, क्यों जुड़ेगा? नहीं, कार्यकर्ता अब अपना स्वार्थ जहां होगा वहां जाएगा। स्वार्थ नहीं, एक और चीज आती है, वो कहता है मैं फूंक रहा हूँ दिन और रात, और जब देने की बारी आती है तुम हमें बाहर निकाल देते हो, हमारा फिर बाद में पोर्टफोलियो देखते हो, हमसे पूछते हो वोट कितने आपके पास, जनसभा में 5,000 लोग। बीजेपी ने मोहनलाल जी इस इलेक्शन में साबित कर दिया, हमें जिताऊ आदमी चाहिए, हमें वो माल चाहिए जो मार्केट में बिकता है, लेकिन हमें कार्यकर्ता और वोट नहीं चाहिए। लेकिन कपड़े तो जिताऊ था भाई, अगले के पीछे वोट बैंक था, और अब टक्कर दे दी, अब क्या करेंगे? अब ये तो अंदर नहीं, अब कांग्रेस का कल को सीट निकाल जाता है, ये तो 1% मारे काटे का मुकाबला है। हाँ। चिरंजीव राव के साथ और कांग्रेस का कल को सीट निकल जाती है, फिर बीजेपी काम मुंह दिखाएगी नहीं, क्या उसको ले लेगी? कापड़ीवास ने कम मना किया, तो वो मना नहीं किया, लेकिन फिर मैसेज क्या जाएगा? अच्छा जाएगा कि भाई ठीक है, जिताऊ ये है तो हमने ले लिया। ये कह रहे हैं हम कांग्रेस से भी 21 हो गई है बीजेपी, पार्टी विद एक डिफरेंस नहीं है, मतलब खाली दिखावा है, दिखावा तो क्या व्यवहारिकता कि भाई हमने तो सिर्फ येन केन प्राकेन सत्ता हासिल करनी है, सत्ता सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए। जो हमने देखा, देखिए आप, हम मैं बार बार इसलिए विश्लेषण में ज्यादा जोर दे रहा हूं, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जिस तरीके से एंट्री हुई, पूरे चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं है। जगदीश आपने कहा कोसली से उसका तो राजनीति कैरियर खत्म, आपको ना वो लड़ सका ना वो कुछ कर उसको। मोहनलाल जी मैंने आपको बताया, आप ध्यान करो, दर्शकों को पता है कि हमने बताया था जो एथलेटिक रेस होती है ना, उसमें 3-4 हीट होती हैं, तो फर्स्ट हीट में तो इनको रोहतक बुलाया, विजय संकल्प रैली मोदी जी आ रहे हैं, सेकंड हीट में इनको पेल दिया वो आशीर्वाद यात्रा में, समझ गए ना, और थर्ड हीट में फिर इनको बुलाया कि भाई पन्ना प्रमुखर वो आएंगे, और फिर फाइनल हीट में वही जो हम कह रहे हैं खरीद फरोख्त हो या कौन सा सिक्का मार्केट में चल सकता है, उन सिक्कों पर इन्होंने दाव लगाया, बनता और बाहर में जाए जनता, जनता ये क्लियर है, और ये इन्होंने दिखा दिया, साबित कर। और मैं एक और बड़ी बात कहने जा रहा हूं, लेकिन मैं एक और बड़ी बात कह रहा हूं कि अब इनका डाउनफॉल इस चुनाव के बाद शुरू हो गया हरियाणा में। मतलब आप फिर वो याद, फिर मैं आपसे पूछूंगा जब आप मना कर देते हो, क्या भाई यहीं से शुरुआत हुई थी 2013 में आपने हरियाणा की, हरियाणा से कह रहा हूँ बीजेपी की, मैं कह रहा हूँ 19 में अंतिम रैली यहीं से की। मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ, क्या डाउनफॉल करके? मैं पूछता हूँ बैक टू पवेलियन, वो आपके हरियाणा की कह रहा हूँ मैं, हरियाणा की, हरियाणा का परफॉर्मेंस और जो बीजेपी की बड़ा वर्किंग बड़बोलापन और अति विश्वास और कहने को सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं है। जाट नॉन जाट के पोलराइजेशन से, एक अमित शाह की चाणक्य नीति से कहीं ना कहीं वो इन्होंने भिड़ा दी है। अहिरवाल को भी ऐसे किया, वो कितनों की टिकट लोगों को भी ऐसे किया, नहीं हमने अपने रणवीर की टिकट, मोहनलाल जगदीश का वहां करियर खत्म हो गया, आप कापड़ी वास्ते यहां करने की कोशिश की। चुनावी पहला सर्वे हमारा विश्लेषण क्या था कि ये चुनाव अब अहिरवाल की चौधर को चुनौती है या अहिरवाल की चौधर बीजेपी को चुनौती है, अब ये रिजल्ट बताएगा 24 तारीख को कि किसने बेड़ा पार किया और किसने बंडा धार किया।
तो ये चौहान साहब का हमने विश्लेषण दिखाया, चौहान साहब भी पक्के हैं अपनी बात पे, अड़िगे मानने वाले तो है नहीं कि सीधा सीधा कह दिया है कि बंठाधार यहीं से होगा या बेड़ा पार होगा, ये 24 तारीख को पता चल जाएगा। और सुबह पहले कब तक रिजल्ट अंदाजन अपन लगाए आकलन, तो 12 बजे तक आगे की तस्वीर, 11 बजे तक जाहिर है, दो दिन की बात है। आज 21 तारीख को 22 और 23 24 को फिर हम बैठेंगे इसी वक्त और आपको देंगे फिर विश्लेषण लगातार चौहान साहब का जैसे करें। तब तक के लिए इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। लेकिन एक चीज और कहते जाएंगे अंत में, ये दो दिन उन उम्मीदवारों के लिए भारी है, कहीं ना कहीं सोचने का विषय, चिंतन वो करेंगे, हालांकि थकावट भी वो उतारेंगे मेरे ख्याल से 15 दिन की, और नींद में जो है सोएंगे तो उनको शायद घुमेरी भी आ जाएगी वोट मांगने की, कहां वो और कहां दिल की धड़कन भी, हार्ट बीट कुछ बाहर जाएंगे अपने को हल्का फुल्का करने के लिए। क्यों जवान साहब सही कह रहा हूँ, बिल्कुल निकल भी होंगे मेरे ख्याल से, कुछ तो निकल भी होंगे कार्यकर्ताओं से लेकर सुबह कल दोपहर में अपने के लिए निकल जर्नी पे जाएंगे। और हम लगातार यहाँ स्टूडियो में बैठ करके हमने माता बच्ची, क्योंकि हमारा तो अब हम कहा जाए भाई, पत्रकारों के पास कहाँ समय जाने का, पत्रकारों को जाने भी कोर्ट देता है, विश्लेषण जरूरी है क्योंकि दर्शक तो मांगेगा, जरूरी है दर्शक तो मांगेगा, दर्शक को तो चाहिए मसाला रोज, दर्शक तो बाढ़ देख रहा है कि एचआर न्यूज क्या दिखाएगा, कितने फोन हमारे पास आ रहे हैं, जरूरी है। तो ये हमने आपको दिखाया, फिलहाल इतना ही, फिर कल और किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार। आप सभी क्षेत्रवासियों को आत्म प्रकाश यादव हॉस्पिटल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राव विजेंद्र सिंह रानी की डोडी से, हम सबकी बहन बहन महिंद्रा आगामी नगर परिषद के होने वाले चुनाव वार्ड नंबर 14 से लड़ेंगी। वार्ड के विकास एवं तरक्की के लिए आप सभी से आग्रह है कि उन्हें अधिक से अधिक मत देकर विजयी।